के जय। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है गौरव एंड वेलकम टू जीपीएस ब्लॉग्स 28। सो आज हम लोग को वंदे भारत में घूमने का मौका मिला रेलवे की तरफ से, एंड मंटू जी भी है एंड सरोज भी है, सभी को राम राम। आज वंदे भारत एक्सप्रेस में हम लोग ट्रेवल धर्मावरम तक करने वाले हैं और देखिए कैसा एक्सपीरियंस रहता है। और हमारे भाई सरोज जैना क्या रहा है, क्या ओके ट्रेन आ रहा है। आज हम लोग वंदे भारत आए हैं, फर्स्ट ट्रेन इनॉग्रेशन है गुंतकल स्टेशन से फ्रॉम बैंगलोर टू गुंतकल, और हम लोग गुंतकल से धर्मावरम तक जाने वाले हैं। ये आज स्टॉप हो गया है, स्टॉप हो गया ऑल डिपार्टमेंट के ही लोग हैं, फर्स्ट डिपार्टमेंट मतलब रेलवे डिपार्टमेंट यही। वंदे लाले बहुत अच्छा लगा इसमें आके, और जितने भी लोग हैं ये मनी सर है, ये श्रीनिवास सर, श्रीनिवास सर और सरोज सर, उधर सरोज सर भी है वहाँ पे। ओके बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा ट्रेन चली गई। हाँ सीट। सो ट्रेन चलने लगी है अभी, तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है हम लोग का वंदे भारत, बहुत मजा आ रहा है, कोई फ्री ऑफ कॉस्ट, बहुत मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा व्यू है। और हम लोग वंदे भारत से आप लोगों को डीआरएम ऑफिस भी दिखाएंगे, शायद उस रास्ते से जाए तब ना क्योंकि इसका रूट अलग ही है, ये बेंगलुरु को जा रही है, तो हम लोग धर्मावरम तक जा रहे हैं, धर्मावरम को टचेंगे, फिर वहाँ से स्पेशल ट्रेन है, फिर हम लोग फिर स्पेशल ट्रेन से हम आते हैं, फिर रिटर्न देखते हैं कितना टाइम लगता है, फिर ऑफिस जाना है। ओके ठीक है, वीडियो के साथ बने रहिए, आगे हम लोग और भी दिखाएंगे, अभी लंच सब भी आएगा तो भी आपको दिखाएंगे क्या क्या लंच है। तो ऑल हम लोग पर्सनल डिपार्टमेंट के स्टाफ हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो सरोजन सर, एंड यहाँ वीडियो है सर, वीडियो कवर कर रहे हैं, एंड यहाँ मैम सर, వందే భారత్ తాలింకారం గుండకల్ టు ధర్మవరం హోటల్ స్పెషల్ మ్యాన్స్ సబ్ స్టాఫ్ అండ్ సర్ ఓ సర్ సర్ పవనీ मैम कुछ बोलिए, बोलो ना, स्टार्टिंग फ्लैग होस्टिंग ओनली विजय कला का ब्लॉग नंबर स्टार्टिंग में, मैंने स्टार्टिंग में मैंने फ्लैग ऑफ करके लाई, गाड़ी का बैंड बजा के लाई मैंने। ओके तो मैम लेके आई है, मतलब फ्लैग होस्टिंग मैम ने किया था, और फिर सर टीटी सर तो ये सब स्टॉप है हम लोग का, मैम से समथिंग, सीनियर मोस्ट ऑफ मैम, सो यही सब हम लोग का स्टॉप है, सब लोग को दिखाते हैं आगे आगे, ठीक है अभी टीवी आ रहे हैं, अभी टीवी आ रहा है, डरिए चलो ठीक है। क्या हो गया, अभी खाना आया, हाँ लेके जाओ सबको एक एक पीछे पीछे पीछे, और हम जाके वहाँ लंच करने वाले हैं, तो पानी नहीं दिया ना, अभी पानी नहीं दिया, पानी आएगा देखते हैं। तो लंच है ये हम लोग का, जिसमें राइस है एंड दाल है, रोटी है, कुछ लेडी फिंगर फ्राई भी है, बिरयानी है, ये गुंतकल का सीन। ओ तो अब हम लोग, और ये अभी ट्रेन चलते हुए, सो स्पीड देखिए ट्रेन का, सो यहाँ पे अभी एक कार्ड भी दिया है एंड एक पिकल दिया है, और खाना काफी ठीक है, खाना बहुत अच्छा बनाया है ना मंटू जी, बहुत अच्छा लगा, इसमें स्वीट्स भी दिया, स्वीट्स में लड्डू लड्डू और ये पकौड़ा भी दिया, खाना अच्छा है, पनीर भी है, तो सारी चीजें बहुत अच्छा है।
रहिए, वीडियो के साथ बने रहिए ऐसे। खाया जाता है या पिया जाता है बस दोस्तों आप लोगों को पता हो तो बताइएगा जरूर कमेंट में। पिया जाता है खाया जाता है और एक एक बोतल भी मिला सबको, वाटर बोतल सब फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये देखिए व्लॉगिंग करते हुए मतलब बहुत है ऑलमोस्ट सब कोई करीब अनंतपुर पहुँचने वाले हैं धर्मावरम में पास है। Nice food. Taste is good. तेरा कौन सा चैनल है? मेरा भी YouTube चैनल है। YouTube चैनल कौन सा है? बताओ ना। शेयर करती हूँ या लाइक भी पाती हूँ। कैसा था मैम? Oh, very good. Experience? Yes, yes. अच्छे लड्डू भी अच्छे। भवानी मैम आप? किस चीज़ का? खाने का बात। Also and. गुड क्या डाउट है क्या बोलना गुड बोलने का ऐसे एक्सपीरियंस वेरी नाइस फूड इज आल्सो वेरी गुड प्लीज लाइक शेयर। मैम ने ऑलमोस्ट सब कुछ खत्म ही कर दिया है। भूख लगती है भूख सबको लगा हुआ था लंच टाइम था वैसे भी। से समथिंग सर Delicious for this sound. The service staff is also very nice. Nice reception. All the items are very delicious. Very good. Okay. And खाना काफी अच्छा था। अभी हम लोग अनंतपुर स्टेशन पहुंच चुके हैं एंड देन नेक्स्ट स्टेशन हम लोग को उतर जाना है। काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। अच्छा लग रहा है एंड सारा स्टाफ यहीं पे है हम लोग देन स्टाफ के साथ और अच्छा लग रहा है। ओके देन ट्रेन अभी चल ही रहा है देन वीडियो के साथ बने रहिए। ओके देन 1 2 3 स्टार्ट। पर्सनल ब्रांच मातरम वंदे भारत भारत वंदे भारत। ओके ओके एवरीवन सो 1 2 3 स्टार्ट। वंदे भारत 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 जय पर्सनल ब्रांच की जय। वो बेस्ट पार्ट पता है वंदे भारत का, इस पे डिस्प्ले भी शो होता है कि कौन सा स्टेशन आने वाला है, कितना डिस्टेंस पे है, ठीक है 11 किलोमीटर। तो अनंतपुर स्टेशन पे अभी हम लोग हैं, अनंतपुर स्टेशन पे बाहर उनके बच्चे यहाँ पे देखिए कैसे भीड़ लगाए हुए हैं और सभी लोग देख रहे हैं। तो बस इसका नेक्स्ट स्टेशन में हम लोग उतरते हैं धर्मावरम में। हम लोग वहाँ हम लोग उतर के फिर से स्पेशल कोई गाड़ी है फिर उसे रिटर्न हम लोग फोन कर देंगे। और ये बच्चिया रही देखिए कैसे सब लोग इसे विजिट करने के लिए आ रहे हैं। विजिट करने के लिए आ रहे हैं इसके अंदर क्या है कैसे। सो अभी हम लोग अनंतपुर स्टेशन क्रॉस किए एंड अब धर्मावरम जाने वाले हैं।
क्या मंडी जी कैसा लग रहा है? जैसा हम लोग सोचे थे अनंतपुर स्टेशन होगा वैसा है नहीं। सिटी बहुत बड़ा है, ये तो है सिटी बड़ा है, हेडक्वार्टर है, बट स्टेशन उतना बड़ा नहीं है, तो अच्छा लगा। लेकिन लोगों ने यहाँ भी प्यार दिया, वंदे भारत को बहुत अच्छा प्यार दिया, बहुत अच्छा से वेलकम हुआ। यहाँ सीनियर डीपीओ सर भी हम लोग के अंदर आए, काफी अच्छा था, बहुत अच्छा लगा। ऑलमोस्ट मतलब क्या ही कहें, बहुत ही अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम हम लोग का वंदे भारत एक्सप्रेस का सफर था, एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम हम लोग का, और इसमें अच्छा लगा। और उधर है सर, हम लोग का फ्रेंड भी है, किसी से बातें कर रहा है सभी यात्रियों का, वो जहाँ जाएगा बिजी ही रहेगा। तो बस यही है, आगे अभी और बने रहिए, आगे बने रहिए। धर्माबरन स्टेशन पे हम लोग रुकेंगे और फिर वहाँ से नेक्स्ट कोई स्पेशल गाड़ी है, इतना मजा तो नहीं आएगा, ये तो फिक्स है। बट वापस जाना है ना। एक खास बात क्या है दोस्तों, वंदे भारत एक्सप्रेस में फ्री ऑफ कॉस्ट सबसे बड़ी बात, और फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग को मिल्स भी मिला, प्रॉपर मील्स, पानी, दही, सब कुछ, सारी चीजें मिली, तो मजा आया घूम के। स्टेशन तो हम लोग का टूर खत्म हो गया है और डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। क्या करें, पीछे के लास्ट में है जो कार, तो ऑलमोस्ट अभी हम लोग पहुंच चुके हैं। अभी स्पेशल ट्रेन से अभी हम लोग बुंदेलखंड चले जाएंगे वापस। डिवीजन फर्स्ट एसी में भी है हम लोग, पूरा डिपार्टमेंट है हम लोग के साथ, एंड ओके वीडियो के साथ अभी बने रहिए, लास्ट तक इसे कंटिन्यू करते हैं। ओके इनका एक फर्स्ट एसी में भी हम लोग सब बैठे हुए हैं।